अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। तो आज की वीडियो है ड्रेस डिज़ाइनिंग, और इसमें मैंने अपनी क्लाइंट्स वगैरह के ड्रेसेस जो हैं वो स्टिच करवाए हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, देख लीजिएगा, आप लोगों को भी आइडिया मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी आप ऑर्डर दे सकती हैं, प्लस स्टिचिंग की सहूलत भी मैसर है। तो ड्रेसेस तो काफ़ी ज़्यादा हैं। पार्ट वन में मैं कुछ आर्टिकल शेयर करूँगी और पार्ट टू में समर के भी हैं और इसमें विंटर के भी हैं। देखें काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी हैं। तो पार्ट वन में अभी ये कुछ आर्टिकल शेयर करती हूँ। फर्स्ट आर्टिकल सना सफीना का, आप लोगों का बहुत मोस्ट फेवरेट ब्रांड है। इनके स्टिचिंग भी काफ़ी ज़बरदस्त, मतलब आर्टिकल पोस्टर पे इतना अच्छा उन्होंने स्टिच किया था, सेम एज़ आप उसी तरह स्टिच करवाए। अच्छा, ये जो है वो शलवार है, बेल्ट वाली शलवार है, सिंपल सी बिल्कुल। अच्छा, फैब्रिक जो है वो ये रॉ सिल्क फैब्रिक है। ये वाला आर्टिकल 40% ऑफ पे लिया गया था। अच्छा, इसको मैं ओपन कर देती हूँ, ये किस तरह से इसकी स्टिचिंग की गई है। सारे ये डिफरेंट पैनल्स हैं, ठीक है। बॉर्डर पे ये सारा पैच है, ठीक है। इसके ऊपर भी बड़ा वाला पैच है और साइड्स पे ये कटवर्क किया हुआ है, और साथ में टेसल्स जो हैं वो ऑफ वाइट वाइट कलर के लगाए हैं, ठीक है। साथ सीक्वेंस का भी काम है, इसके साथ पाइपिंग की गई है सारे, मतलब पलटे के साइड पे, और इस तरह से ओवरऑल ये काफ़ी खूबसूरत आर्टिकल है। नेवी ब्लू कलर है इसका, ठीक है। अब ये चॉक्स के ऊपर भी ये पलटा, इसी तरह से ये जो सीक्वेंस का पट्टी है वो लगाई है, ये देखिएगा, ठीक है। बैक साइड भी मैं आपके साथ दिखाती हूँ, ये साइड्स पे पैनल है वो भी आपको सारा शेयर। दुपट्टे पे किस तरह से किया है, दुपट्टा इसका रॉ सिल्क का है और चारों साइड्स पे ये फिरोजी कलर की जो है पाइपिंग की गई है। अच्छा, वैसे गोल्डन भी कर सकते थे लेकिन ज़्यादा एलिगेंट जो है वो आपको फिरोजी। बाकी नेकलाइन ये सारा पैनल स्टाइल में है सारा, इसको पैचेस जो हैं वो अटैच किए गए हैं, ठीक है। और ये साइड्स पे जो ये सारे पैनल्स थे इसके। आप बैक साइड देखिए, बैक साइड प्लेन है और उसके चौक और दामन ये सारे पे हमने पट्टी लगाई है, ठीक है। ये फर्स्ट आर्टिकल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और एलिगेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल भी सना सफीनास का है। अच्छा, ये 60% ऑफ पे अभी जो अभी 60% है ये लिया है, और फैब्रिक इसका भी रॉ सिल्क टाइप का ही है, ग्रिप का है, ग्रिप, ठीक है, जो क्रेप होती है ना वो वाला। बाकी इनके जो ये शलवार ही है सिंपल सी, इस पर कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं है, और इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ ये किस तरह से स्टिच किया है। अब इसके नेकलाइन देखिएगा, पाइपिंग के साथ जो है वो लूप्स वाले बटन लगाए हैं सेम मैच करके, और ये देखें जी, इसके मैंने कटवर्क करवाए हैं बाजू के ऊपर, ठीक है, और दामन पे भी करवाए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देख लें। ओवरऑल काफ़ी खूबसूरत कलर स्कीम के साथ है प्रिंट, और ये बाकी चॉक्स के ऊपर पलटा है, और बॉर्डर जो है वो इस तरह से कटवर्क ना है, क्योंकि जो इसका पोस्टर पिक्चर थी सेम आज थी। लेसेस तो लगती रहती हैं, चलें थोड़ा सा आजकल कटवर्क स्टाइल भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आप लोग कटवर्क भी करवाएं। अच्छा जी, अब ये ओवरऑल लुक आ जाएगी। इसके साथ शिफॉन का दुपट्टा है, जिसके जो है वो चारों साइड्स पे एमजी लेस अटैच की है, ठीक है। शिफॉन का दुपट्टा है, ये इस तरह से पीको के साथ करवाई है, ठीक है, अटैच। आपकी मर्ज़ी है आप, क्योंकि ये लाइट वेट है, आप इसको पाइपिंग के साथ भी अटैच कर सकते हैं, बट क्योंकि लाइट वेट है या फिर आपने समर में पहनना, तो आई थिंक जो है वो इसको इतना ज़्यादा करने की। नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये है जी एथनिक का, और इसको किस तरह से स्टिच का है ये देखें। इसके साथ ये थ्री पीस था, ये दुपट्टा है खदर फैब्रिक के साथ, और इसमें पाइपिंग की है चारों साइड्स पे पिंक कलर की, और जी ये इस तरह से लूप्स वाले बटन लगाए हैं। ये ओवरऑल जो है वो इसकी लुक आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से देखिए, जो नेकलाइन होता है ना हमेशा आप ये वाला इसके साथ ना नेकलाइन बनाएं, काफ़ी एलिगेंट लुक आती है। बाकी बटन वाले सिंपल से इसके साथ बाजू हैं, और ये देखें, ठीक है, आगे पाइपिंग की हुई है, और दामन वगैरह पे किस तरह से बनाया है ये है जी। इसकी चॉक्स और बॉर्डर के ऊपर पाइपिंग पिंक कलर की, ठीक है, और जो बाकी इसके जो बॉर्डर था ना ये ऊपर रख के लगाया है, बहुत अच्छा लग रहा है इसे, ये देखें, कट करके ना ऊपर रख के लगाया है, तो इससे काफ़ी अच्छी लुक आई है। ये इसके साथ जो है वो बाकी मैंने आपको दिखा दिए, ये पाइपिंग वगैरह है। ओवरऑल इस ड्रेस की ये लुक है, ठीक है। अब आ जाते हैं बैक साइड पे। अच्छा, इन्होंने ना जिप भी लगवाई और प्लेट्स भी डलवाए हैं, ठीक है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। नेक्स्ट आर्टिकल भी सना सफीनास का है, और ये भी बहुत प्यारा आर्टिकल है, और आई होप सो आप लोगों को ये आर्टिकल भी बड़ा अच्छा। ये 50% पे मैंने लिया था,
जी शलवार ही है उनकी, और इसके ऊपर ये वाला जो है वो डिज़ाइन बनाया है, ये काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है, पहने हुए बहुत अच्छा लगता है। ये इस तरह से है। बाकी जो है वो इसकी नेकलाइन राउंड बना के, इसमें जो है वो ट्रायंगल्स बना के लगाए हैं, ठीक है। और जी अब आ जाते हैं, ये इसके साथ पैच था नेकलाइन का, ये अटैच किया है। ओवरऑल लुक आप देख लें, पैनल स्टाइल के साथ है, पैनल वाली इसमें लेस लगाई, जॉइंट लेस। बाकी इसके जो सॉरी बॉर्डर है उसके ऊपर कटवर्क करवा के ना नीचे जो है वो ब्रॉड वाली लगाई है, ठीक है। ये देखिएगा इस तरह से, ये काफ़ी अच्छी लग रही है, बहुत ही ज़बरदस्त इससे लुक है मतलब आ रही है। और इसका ना कलर स्कीम बड़ा प्यारा है इस ड्रेस का, ये ओवरऑल साथ शिफॉन का दुपट्टा है। स्लीव्स पे भी देख लें आप लोग डिज़ाइनिंग इसी तरह से। अच्छा जी अब आ जाते हैं, ये इसके स्लीव्स पे ये पैच है, स्लीव्स का सारा एम्ब्रॉयडर्ड है। प्राइस इसकी काफ़ी अच्छी, मतलब 50% ऑफ पे ना काफ़ी अच्छा ये हो गया है। और ये इसके साथ जो है वो आ जाएगा दुपट्टा, ठीक है। अच्छा ये इसकी बैक साइड है, चॉक्स के ऊपर पलटा है। नेक्स्ट आर्टिकल जी केसरिया का है, बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल है और काफ़ी लोगों ने बाय किया है। अच्छा इसको स्टिच किस तरह से करवाया है ये भी हम देख लेते हैं। दुपट्टा आपके सामने है, इस पर तो कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं थी। साइड्स पे जो है इसी कलर की जो है वो पीको करवा ली है, पिंक कलर की, ठीक है। ऑलरेडी ये पहले से ही रेडी था। अब जो है वो शर्ट पे देखें किस तरह से डिज़ाइन बनाए, पहले आ जाए ट्राउज़र पे, इसमें इस तरह से पाइपिंग की है, काफ़ी अच्छी लग रही है, डिसेंट सी। ये मैंने पहले भी अपने कुछ ड्रेसेस में और क्लाइंट्स पे ये दिखाया था, ये लुक काफ़ी अच्छी लगती है पेंट स्टाइल ना, इससे बहुत डिसेंट सी लुक आती है, अगर जो लोग सिंपल रखना चाहते हैं ट्राउज़र। अच्छा अब इसकी नेक लाइन आप देख सकते हैं, लोअर बैंड बनाया है, आगे पट्टी है और इसमें ट्रांसपेरेंट कलर्स के जो बटन लगाए हैं, ये ओवरऑल इस ड्रेस की लुक आ जाएगी। साथ ये वाली इसके साथ स्लीव्स हैं, ठीक है, कफ़ वाले चुनट्स डाले हैं, ए लाइन शर्ट है ये। और इसमें जो है हम क्या देख रहे हैं कि सारी साइड्स पे पलटा दिया हुआ है और इसमें ये लेस लगा दी है, ठीक है। लेस और पलटे से थोड़ी सी ना ग्रिप आ जाती है सूट में। ओवरऑल ये इस ड्रेस का लुक है, आप ही आप इसी तरह से स्टिच करवा सकती हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है ओवरऑल ये वाला ड्रेस। तो होप सो आप लोगों को अच्छा लग रही होगी स्टिचिंग। अगर आप लोगों को स्टिचिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और किसी को करवानी हो तो वो रابطہ कर सकते हैं जी। नेक्स्ट आर्टिकल जो है आजकल जैसे कि फैशन में है सेम शर्ट एंड ट्राउज़र, ठीक है, ये इसी तरह से सिलवाए गए हैं। अच्छा ये मरीना फैब्रिक है, ये तो मैंने आपको बताया था कि मैंने राबी सेंटर से बाय किए हैं ये, ठीक है। ये टू पीस हैं सब, इनको किस तरह से स्टिच करवाया है हाफ़ जो है वो मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी हाफ। अब ये पैनल स्टाइल में है, साथ शलवार ही है उनकी, कोई इसके ऊपर शलवार पे प्रिंट। फर्स्ट ये मरीना फैब्रिक है, देखें अब हर पाइपिंग वाला गला तो सब बनाते भी, कट वर्क है इसमें जी, थोड़ा सा बीट्स लगा दिए। जब ये ऑल ओवर का प्रिंट होता है ना इस पर काफ़ी, ये चुन्नट वाले बाजू बनाए हैं, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, ठीक है, इस तरह से ये भी। और ये शलवार है सिंपल, दामन पे भी इसके इसी तरह से कटवर्क है, ठीक है, चॉक्स के ऊपर पाइपिंग आ जाएगी। ऑल ओवर प्रिंट्स में आप इस तरह से कटवर्क करवाएं तो बहुत अच्छा लगता है, ये देखें ये ओवरऑल इस ड्रेस की लुक है। तो ये भी कैसा लगा आप लोगों को ड्रेस ज़रूर बताएगा, इसके साथ सिंपल आप कोई भी शॉल ले लें तो काफ़ी अच्छी लगेगी। अच्छा ये जो है सिंपल मरीना का है, यहाँ पर आपको कलर थोड़ा सा इस तरह से आएगा, लेकिन ये जो आर्मी वाला कलर होता है ना ग्रीन, वो वाला है, ठीक है। ये इस तरह से इसमें लूप्स लगा के, और लूप्स भी लगाए हैं और ट्रायंगल्स भी बनाई हैं। स्लीव्स पे भी आ जाएंगी, ठीक है, पलटा लगाया है सेम प्रिंट का, इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही डिसेंट सा आर्टिकल है। बाकी शलवार थी सिंपल, इसकी भी सिंपल शलवार है, ये भी मरीना का आर्टिकल है और ये भी इसी तरह से लूप्स के साथ है, नेकलाइन आपके सामने है। बाकी इस पर छोटी छोटी सी जो लेस है ना सेम उसके प्रिंट के साथ मैच करके चॉक्स और दामन के ऊपर चारों साइड्स पे ये लगा दिए इस तरह से, ये ओवरऑल इस ड्रेस की लुक है, आप लोगों को पसंद आई होगी, ठीक है। अच्छा जी इसके स्लीव्स देख लें, इसे ये स्लीव्स बड़े अच्छे लगते हैं, जो आजकल सेम प्रिंट में है ना आप इस तरह का स्लीव्स रखवाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिकल ये बन जाता है।
अब आ जाएं कुछ दो और आर्टिकल पे सेम प्रिंट्स के, ये दोनों ठीक है। ये पैनल स्टाइल में ये वाला स्टिच किया है, बहुत प्यारा प्रिंट है ऑल ओवर का। ये इसके साथ पाइपिंग है और इसमें जो है वो बटन लगाए हैं। बाकी इसमें पैनल वाली या जॉइंट लेस लगा दी है चारों साइड, सॉरी फ्रंट के ऊपर। और बाकी इस तरह से है ठीक है। नेवी ब्लू कलर है, कलर भी बड़ा प्यारा है सर, प्रिंट भी काफ़ी खूबसूरत है। ट्राउज़र सॉरी इसके साथ भी शलवार है, सिंपल सी शलवार है ठीक है। और इसके स्लीव्स भी देख लेते हैं, स्लीव्स भी आई थिंक कफ स्टाइल है ठीक है। ये देख लें, काफ़ी अच्छी लुक आ रही है इस सूट की भी। नेक्स्ट आर्टिकल भी ऑल ओवर प्रिंट में है, मरीना फैब्रिक का है ये भी। और इसकी जी प्रिंट देखिए कितना प्यारा कलर है, इसके साथ चौक सामन सब पे लेस लगाई हुई है और नेकलाइन इस तरह से बनाया है। तो होप सो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को स्टिचिंग आइडियाज़ अच्छे लग रहे हैं और इसके अलावा ड्रेस डिज़ाइनिंग, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।